मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर बहुत। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से सिंगरौली टेस्ट एंड व्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए मैं बारात के लिए रेडी हो चुकी हूँ और एकलव्य पता नहीं क्या कर रहा है। एकलव्य मेरी थोड़ी थोड़ी सेम ड्रेस हो गई है, तो चलिए फटाफट बारात के लिए हम लोग निकलते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि यहाँ पे सब कोई नाश्ते करते एकदम रेडी हो चुका है बारात ले जाने के लिए, और यहाँ पे दूल्हे राजा की गाड़ी भी तैयार हो चुकी है और यहाँ सब कोई रेडी है बारात को मतलब विदाई करने के लिए। और मेरी बहन मेरे को डांस करने के लिए बुला रही थी। यहाँ हम लोग का डांस भी एकदम धमाकेदार मतलब धुआँ उड़ा दिए हम लोग ने डांस कर करके। घर से लेके हम लोग ने मेन रोड तक डांस करते करते सब कोई गए, मम्मी बुआ मतलब जितनी लेडीज़ थी सब बहनें सब कोई, हम लोग ने खूब डांस किया। और सॉरी मैं इसका म्यूज़िक आप लोग को नहीं सुना सकती हूँ, क्योंकि अगर म्यूज़िक सुनाती तो कॉपीराइट आ जाता, आप लोग को सबको पता है बैकग्राउंड म्यूज़िक से। और मैं अलग से सॉन्ग इसमें डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि डालो भी फिर भी नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक तो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा, शादी का ब्लॉग है। आप लोग ऐसा शादी कहीं नहीं देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक विवाह ऐसा वाला सीन है इसमें, मतलब ऐसा मतलब शादी हुआ कि बहुत कम ही देखने को आप लोग को मिलेगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से शादी हुआ है हमारे भाई का, क्योंकि हमारे पापा का बहुत मन था इसलिए। और सब कुछ ये स्टेज पे हुआ, जैसे कि मंगलसूत्र और सिंदूर कन्यादान मतलब सब कुछ स्टेज पे हो गया, मतलब बहुत अलग तरीके से हुआ। एक बार देखिएगा ज़रूर, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, अच्छा भी लगा। बस ज़्यादा जैसे रात भर जो दूल्हा दुल्हन जगते उसमें ज़रूरी नहीं था, पर ज़बरदस्ती का कोई जगह है तो जगना ही पड़ेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए ऐसे इन्जॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। तो अभी घर के जो डांस हुआ था वो पूरा नहीं हुआ था, अभी हम लोग ने क्लब के थोड़ा सा पहले ही बारात बस पहुंचने वाली थी क्लब में, तो उससे पहले हम लोग खूब डांस किए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये क्यूट सी लड़की उत्तराखंड की है, बहुत प्यारी थी, इनका नाम उर्वशी था। बहुत अच्छा लगा इनके आने से, मेरे भाई की फ्रेंड थी। और यहाँ पे भाई लोगों ने खूब डांस किया, और देख सकते हैं कितना जोर शोर से यहाँ आतिशबाजी हो रही है कि भाई सबको पता चले कि हाँ बारात आ गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है, और पीछे पीछे दूल्हे राजा आ रहे हैं बैंड बाजा के साथ अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए, और हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे। तो ये देखिए मिनी कार है, और ये है, और मिनी कार देखिए, देख सकते हैं, देखिए पूरा है, ये देखिए, और कभी दिखा देता हूँ। हाँ बस हो गया, सब कुछ देख ले, चलो अब बंद करो, बंद करो। ये देखिए, ये देखिए, बाय। बस बेटा छोटू के पास आएगा, छोटू के पास चलेगा, आएगा पूछी क्या वक्त लगी। और
थोड़ा सा कार्यक्रम अभी शेष है, उसे तो खत्म हो गया। भैया देखिएगा सामने कैमरे पे ना, और चिल्लाना नहीं है, देखो डाल पाँच बजे नीचे कर लो, पाँच मिनट हो जाए, एक केवल पाँच मिनट हो जाइए। हाँ आप लोग ऐसे में जिंदगी जल्दी से बस खा लीजिए, थोड़ा सा कार्यक्रम अभी संपन्न हो गया, सामने देखिए आगे बढ़ते रहिए। माता पिता उपस्थान तो दार शिक्षक नो ना सुदा तो मंत्र एतन सर कैमरे पे इधर भैया पंक्ति पर प्रश्नो वंदो को सावक संतो यदि कनिकताय पुरी से गात अठ पुरी से को करा ए सजगवतो सावक संतो आहुने आप लोग का नाम क्या है बता दो। मेरा नाम आस्था। आस्था है। हाँ। ये लोग मेरे को मिलने आई हैं दूर से देख के कि आप वीडियो बनाती है, मेरे से पूछी और मेरे से पूछ के बोलती है आप वीडियो बनाती है और मैं आप तो मिल लिए। अब फिर इसके बाद क्या हम आप लोग को डालेंगे, आप लोग देखिएगा ठीक ना। हाँ ठीक ना। हाँ तो मेरे घर आना है, मेरे साथ चलना है मासी के साथ ठीक ना। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग चलेंगे ठीक ना। हम लोग आपकी मौसी को लेके जा रहे हैं। कहाँ? अपने घर। आज नहीं कल ना। हाँ मतलब कल 12 तो बज गए तो आज ही हुआ। हाँ, बज गए ना। हाँ तो ठीक है, हम लोग लेके चलेंगे ठीक ना। खाना खा लिया आप लोग ने? हाँ, हाँ चलो ठीक, हम लोग चलेंगे ठीक। ये बड़ी क्यूट है, मेरे से मिलने आई है। मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर बहुत बुला रहे हैं, मेरे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर मिल जाते हैं देखो। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो गई। 12 बजे से पहले पहले शादी खत्म हो गई थी। गौतम बुद्ध में ऐसे ही होता है, जल्दी से शादी खत्म हो जाती है। तो अभी दुल्हन का वेलकम का भी बहुत शानदार तरीके से हुआ था, आप लोग देखिएगा वो वाला ब्लॉग जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।